Hello students and welcome back to BankexamTrader.com. My name is Ramandeep Singh. So, students for IBPS RRB GBO scale 2 and scale 3 2023 exam. So, we have been doing a lot of hard work for this particular exam. financial awareness section specifically. So, in the last 30 days, I mean even less than 30 days now. द बेस्ट स्टडी मटीरियल दैट यू शुड फॉलो अभी क्या पढ़ना चाहिए लास्ट के कुछ दिनों में एग्जैक्टली क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका स्कोर बूस्ट हो जाए यू कैन गेट द मैक्सिमम स्कोर सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो थ्रू दिस एग्जाम ट्रेंड एग्जाम ट्रेंड देखिए पिछले चार साल का मैंने जो है प्रॉपर एग्जाम एनालिसिस जो किया था उसमें मैंने प्रॉपर बताया है कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं ये मोटा मोटा ये टॉपिक है राइट right? ओके uh, okay. तो इसमें से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं यू कैन सी आर सर्कुलर में से टेन टू लाइक थर्टीन फोर्टीन क्वेश्चन आ रहे हैं टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम आर सर्कुलर्स दैट इंक्लूड्स द मास्टर सर्कुलर्स मास्टर सर्कुलर्स जैसे कि प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग के वाई सी आई आर ए सी नॉर्म्स राइट द बेसल नॉम्स राइट दीज आर द मास्टर सर्कुलर्स राइट वो भी इसमें इंक्लूडेड सो टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट डायरेक्टली फ्राम आर वी आई सर्कुलर्स इंपॉर्टेंट एक्ट एक्ट कौन कौन से इसमें द इम्पॉर्टेंट एक्ट्स आर नेगोशियबल इंस्ट्रोमेंट्स एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट द बैंकिंग रेगुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट तो नेगोशियबल इंस्ट्रोमेंट एक्ट ही है द बैंकिंग रेगुलेशन ठीक है कभी कभी आ जाता है uh, द आई बी सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई बी सी सरफाईसी एक्ट द आई बी सी एक्ट द सरफाई सी एक्ट दिज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स राइट सो एंड देन द डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन स्टूडेंसी यहाँ पे क्या फैक्टर है कि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि एग्जाम uh, में जैसे स्टैंप ड्यूटी एक्ट से क्वेश्चन आया था या रजिस्ट्रेशन एक्ट से स्टैंप ड्यूटी एक्ट से लिमिटेशन एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये पूरे का पूरा एक्ट पढ़ना है पूरा आप लिमिटेशन एक्ट पूरा पढ़े या पूरा यू नो स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन एक्ट वो ज़रूरी नहीं है वो डॉक्यूमेंटेशन से क्वेश्चन आएँ सो डॉक्यूमेंटेशन का टॉपिक है थर्टी मिनट का वीडियो है थोड़े से नोट्स हैं थोड़े से क्वेश्चन हैं उसको आप कवर अप करें हर साल दो तीन दो तीन क्वेश्चन आते हैं स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आप पिछले किसी और वेबसाइट की एनालिसिस से चाहे देख लें आपको मिलेंगे राइट सो यू कैन एक्सपेक्ट लाइक फाइव सिक्स क्वेश्चन फाइव सिक्स क्वेश्चन जनरली इतने आते हैं चार पाँच चार पाँच क्वेश्चन आते हैं पिछले साल तीन आए थे इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पाँच छः पाँच छः क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री का एक आध क्वेश्चन आता है एक दो एक दो क्वेश्चन आपके इसमें से आते हैं करंट अफेयर्स विच इज़ नॉट रियली रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री उसमें से भी कई बार एक दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं सो यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते द टॉपिक इज़ वेरी पॉपुलर तो वो पेपर में आ जाता है बैंकिंग अवेयरनेस द टॉपिक्स दैट एम गोइंग टू शेयर इन द नेक्स्ट स्लाइड कोई एम हुआ है कोई ग्रोथ नंबर्स हैं जी के नंबर्स आई ने बताए वर्ल्ड बैंक ने बताए आर ने बता दिए नीति आयोग ने बता दिया कि ये ग्रोथ होगा इंडिया का तो so, ऐसे टॉपिक्स हैं या कोई अपॉइंटमेंट हुआ है किसी बैंक में राइट एम डी का आर में कोई अपॉइंटमेंट हुआ है या कोई नया प्रोडक्ट आया है या कोई बैंक ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो बहुत पॉपुलर है कोई नई टेक्नोलॉजी आई है जैसे यू लाइट कोई नई टेक्नोलॉजी है कुछ भी नया है तो दैट विल बी पार्ट ऑफ द बैंकिंग अवेयरनेस बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट स्टार्टक बैंकिंग है गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एट क्वेश्चन से लास्ट ईयर सो हार्डली ट्वेंटी स्कीम्स आर देयर वही आपकी सुकन्या समृद्धि योजना पी द मुद्रा योजना धन द योजना अटल पेंशन योजना कोई इंश्योरेंस स्कीम्स हैं काफ़ी सारी आ, वो सारी वय वंदना योजना एंड ऑल तो वो सारी की सारी हम कवर करते हैं डीप में अपने कोर्स में राइट गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियोस देखें तो वीडियोस में बड़ा इजीली कवर हो जाता है इवन फॉर द एक्ट्स मैं ये रिकमेंड करूँगा वीडियोज़ ही देखें बैंकिंग uh, अवेयरनेस के लिए नोट्स पढ़ लें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस को क्या ही पढ़ाएगा ठीक है ये आप नोट्स से पढ़ लें ज़्यादा अच्छा है एक्ट जब आप करते हैं ये भी आप वीडियोज़ ही देखें राइट आर वी आई सर्कुलर और एक्ट जब करते हैं तो वीडियोज़ देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा अदरवाइज़ खुद से करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से पिछले चार साल से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ऑल दो मैं एक रिकमेंड करता हूँ कि रेशियो एनालिसिस तो आप कर ही लीजिए कई बार इंटरव्यू में भी पूछ ही लेते हैं तो कर लीजिए ठीक है क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है इसमें से मतलब टू बी वेरी फ्रैंक मैं लास्ट ईयर आई डिड अ होल सीरीज आई डिड टेन लेक्चर्स ऑन रेशियो एनालिसिस सिंगल क्वेश्चन वज नॉट देयर ओके यूनियन बजट एंड टैक्सेशन में से लाइक आते हैं कभी कभी आई मीन लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं था एंड देन समटाइम्स देर इज़ अ नोमरिकल बीटा सी ए पी एम ऐसे टॉपिक्स में से क्वेश्चन आता है एक दो एक दो राइट लास्ट ईयर कुछ नहीं था सो दिस इज द काइंड ऑफ एग्जाम द टॉपिक्स दैट यू कैन सी इन योर एग्जाम ऐसा कुछ आप एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हो तो एक्सपेक्टेशन ऐसी लेकर चलिए आर बी आई सर्कुलर कितने करने चाहिए एक से डेढ़ साल के कम से कम छः महीने के करके नहीं जा सकते एंड देर आर सर्टन सर्कुलर्स विच आर नॉट देयर इन लास्ट सिक्स मंथ जो छः महीने में, में अपडेट ही नहीं हुए हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जैसे फॉर एग्जाम्पल आई आर एस सी नॉम्स हैं वो अपडेट ही नहीं हुए हैं बेसिल नॉर्म्स अगर उसमें ज्यादा अपडेट नहीं है अगर आप सिर्फ अपडेट पढ़ के भी जाओगे दैट्स नॉट फेयर तो वो एग्जाम के लिए सफिशेंट नहीं है तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है सी वी हैव प्रिपेर अ पावर कैप्स्यूल ठीक है सो वन एटी फाइव पेजेज ऑफ कॉन्टेंट है आ, पहला एडिशन निकाल दिया है उसमें आपके क्या क्या कवर कर रहे हैं इस पावर कैप्सूल में वट वी आर कवरिंग लेट मी जस्ट यू नो इसको इरेज कर दूँ पहले फिर मैं आपको बताता हूँ पावर कैप्सूल में आपका क्या क्या कवर होगा पावर uh, कैप्सूल में देखो सारे आर बी आई सर्कुलर्स के नोट्स हैं ठीक है यू विल गेट द ऑल द आर बी आई सर्कुलर्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको एक्ट्स नहीं मिलेंगे बैंकिंग अवेयरनेस मिल जाएगी ठीक है लेट मी जस्ट रिमूव दिस चलो लेट्स जस्ट चलो लेट्स गेट बैक हाँ पावर कैप्सूल में ये आपको पावर कैप्सूल में मिल जाएगा जहां पे मैं पी लिख रहा हूं वहीं पे है आपको बैंकिंग अवेयरनेस मिल जाएगा और आपको गवर्नमेंट स्कीम्स मिल जाएंगी सो so, मोटा मोटा देखा जाए अगर पिछले एग्जाम्स का एक आइडियल लिए जाए तो 26 और 8 बत्तीस नंबर का एग्ज़ाम है उसमें से आप एक्सपेक्ट कर लो कि 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आ जाएं इट्स वेरी गुड वी बीस बाईस क्वेश्चन भी उसमें से आ जाए तो इट्स ग्रेट ठीक है सो तो दैट्स द सिचुएशन ऑफ पावर कैप्सूल राइट सो तो पावर कैप्सूल का ये सिचुएशन है उसमें आपको तो एक्ट्स नहीं मिलेंगे बैंकिंग हिस्ट्री नहीं मिलेगी Uh, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं मिलेगा स्टैटिक बैंकिंग नहीं मिलेगा करंट अफेयर क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट है वो नहीं है ठीक है सो पावर कैप्स्यूल फॉलोड बाय द सुपर सेट पावर कैप्सूल में जो भी कंटेंट है उसके क्वेश्चन हैं डायरेक्टली सुपर सेट में ठीक है देन सम ऑफ द एक्ट्स दैट यू नीड टू डू आई बी सी सरफाइसी एक्ट नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यह आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन में से करना है सो फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन इन द कॉस फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन सो स्टूडेंट्स दिस पावर कैप्सूल एंड सुपरसेट यू कैन गेट देम सेपरेटली बट दे आर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन उसके बाद बैंकिंग हिस्ट्री वन आर टू क्वेश्चन मास्टर सर्कुलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये मास्टर सर्कुलर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द पावर कैप्स्यूल एक दो क्वेश्चन आपके यहाँ से भी छूट सकते हैं तो मास्टर सर्कुलर्स कितने हैं पाँच हैं ज़्यादा से पाँच ही हैं आई आर एस सी नॉम्स प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग बेसिल नॉम्स एन पी और के वाई सी के बाद डॉक्यूमेंटेशन का टॉपिक डॉक्यूमेंटेशन हो गया वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस हो गया वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो थोड़े से ही टॉपिक हैं उतने ज्यादा है भी नहीं है गवर्नमेंट स्कीम्स ऑलरेडी कवर्ड इन द पावर कैप्स्यूल वीडियो देखें ज़्यादा समझ में आएगा जी डी पी नंबर्स वीडियो देखने की जरूरत नहीं है एम ओ यूज बैंकिंगडम टैग लाइन्स हेड्स ऑफ बैंक्स इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन सब के लिए वीडियो देखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स प्लीज़ वॉच आउट द वीडियोस मास्टर सर्कुलर्स प्लीज वॉच द वीडियोस फ्रॉम द फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन वेरियस जो एक्ट्स हैं वो आप वीडियो सही करें ज्यादा समझ में आएगा जहाँ पे नहीं जरूरत मैं बता देता हूँ पावर कैप्सूल सुपरसेट के लिए वीडियो की जरूरत नहीं है ये जो टॉपिक्स हैं ये पावर कैप्सूल में ही हैं ये वाले तो ये आपके पावर कैप्सूल में सारे कवर हो जाएंगे सो जस्ट गो थ्रू द फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन उसमें आपको सारा पावर कैप्सूल सुपर मिल जाएगा राइट So students, uh, IBPS RRB Scale to Scale 3, GBO course. You can take the full course. That includes a test series, super uh, set power caps, you the financial awareness section or you can get the financial awareness section separately or anything whatever you want separately. You can get it on bankexamstudy.com. Links are available in the description. This is my WhatsApp number where you can ask your doubts. If there is any doubt in your mind, drop me a WhatsApp message and this is a list of our successful students. I'm really, really happy for them. All these students that took our courses in the past and they cracked the respective exams. I'm really, really happy for them. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts. I'm going to answer your doubts. And that's, I guess, all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye bye. Please ask your doubts in the comment section, okay? Or just drop me a WhatsApp. I I'm going to answer you. So that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye bye.